से करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत मेरे साथ, अजीत भी यहां पर जुड़ गए हैं मथुरा से। मथुरा को लेकर बहुत जिक्र हुआ है इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान। अजीत, अगर हम बात करें, फिलहाल बात कर लेते हैं स्थिति जिस तरीके से वहां पर लगातार चुनाव आगे बढ़ रहा है, मतदान प्रतिशत की क्या कुछ है, लोगों में कितना उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है मतदान को लेकर? देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, मथुरा में भी 35% प्लस वोटिंग हो गई, उससे लग रहा है कि वोट ज़्यादा काफ्त होने वाले हैं। और यही बात लगातार कही जा रही थी, पीएम ने कहा था कि जलपान बाद में मतदान पहले, और मथुरा में लगातार आगे ये 5 सीटें अगर आपको बात करें तो इसमें श्रीकांत शर्मा जहाँ हम खड़े हैं, ये इस विधानसभा में जो गोवर्धन है, यहाँ श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री पिछली बार 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। इसके अलावा छाता जहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी है, वो भी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सपा के संजय लाठर हैं, श्याम सुंदर जो शर्मा वो माट से लड़ रहे हैं, तो 5 सीटों में पिछली बार 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो वो सीटें बरकरार है। इसको लेकर बीजेपी के सामने एक चुनौती, और जैसा कि खुद सुबह श्रीकांत शर्मा कह रहे थे, ये चुनाव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, बाल गोपाल को लेकर जो हमने काम किया उसको लेकर। देखिए बहुत सारी महिलाएं यहां लाइन में भी लगी हैं जो वोट कास्ट करने आई, उनसे भी पूछते हैं, बताइए दादी वोट देने आई हैं? हां। क्या सोच के आई हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या हुआ, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं तुम्हारे जो वोट देखो? हमारे मुद्दे भैया सही है, क्या बताएं तुम्हें, सब सही है, क्या बताएं सर जी, अच्छा जो अब के तो सब तरह के जनता है, अच्छा चल रहा है, हाँ योगी आने चार के योग में अच्छा चल रहा है, हम तो योगी जी के समर्थक में ही हैं। अभी तो बताना नहीं चाहिए वोट डालने, हाँ देखो योगी जी मोदी जी हमें चाहिए। ये देखिए ये मतदान गोपनीय होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अंदर की बात बाहर निकाल देती हैं, वो अंदर छिपा कर नहीं रख पाती, और ये इनकी कमजोरी भी होती है। तो अब अगर 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं, अगर आपको आंकड़े की बात करें सुमित, तो इसमें से 53 सीटों पर बीजेपी का 2017 में कब्जा था, क्या 58 में से 53 सीटें बरकरार रख पाएंगी, इनके सामने चुनौती होगी। दूसरी बात, सरकार के 9 मंत्री इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश राणा जो थाना भवन शामली से लड़ रहे हैं, यहां से 2 कैबिनेट मंत्री लड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और लक्ष्मी नारायण चौधरी, तो वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन परिणाम क्या आएगा ये तो 10 मार्च को मतगणना के दिन पता चलेगा। उसके बाद ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई यहां पर नजर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत आपका बहुत शुक्रिया, जो है हमारे साथ अजीत भी यहां पर बने हुए हैं। अजीत, प्रशांत मैं आपके पास आ रहा हूं, हापुड़ के अगर हम समीकरण की यहां पर बात करें, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का हापुड़ में नजर आ रहा है? देखिए हापुड़ में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या सामने आ रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरे पीछे महिलाएं खड़ी हुई हैं, युवा खड़े हुए हैं कई सारे, तो ये जो इंपैक्ट है सीट का वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने किसको मतदान दिया, वो आपका व्यक्तिगत वो है, लेकिन ये बताइए आप जो अपने विधायक चुनेंगी या सरकार चुनेंगी तो किन मुद्दों पर चुनना चाहती हैं? जी आप बताइए, आइए प्लीज, जी आप बताइए, आइए बताइए। जो सरकारें हैं ना वो सही काम कर रही हैं, जो जिस तरीके से भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है, समाज के हित के लिए हो रहा है, राष्ट्र के हित के लिए हो रहा है, केवल देश के हित के लिए हो रहा है, जो भी कर रहे हैं उसी के बल पे। हापुड़ का बताइए, हापुड़ का क्या लगता है आपको कि हापुड़ में जो आप विधायक चुनने जा रहे हैं, तीनों विधानसभाओं से आप अभी हापुड़ में खड़े हुए हैं, तो किस तरीके का विधायक चाहिए आपको, क्या उम्मीद है आपको? विधायक ऐसा चाहिए जो सबकी रक्षा करे, समाज का सम्मान हो, छोटे लोगों को ध्यान में रखे, दुख सुख में काम आए, सबको सहयोग करे, और ये तो बिल्कुल सुमित, यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें एक ऐसा विधायक चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे। अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ का जो समीकरण है, जातिगत समीकरण या जो मुद्दे हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल हापुड़ जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो दलित मतदाता है, जो पिछड़े मतदाता है, उसको लेकर ये सीट हमेशा से अहम मानी जाती है, और यही वजह है कि बीजेपी हो, सपा गठबंधन हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चारों ही दलों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि उन्हीं, चूंकि आरक्षित भी है सीट, तो उसी हिसाब से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो करीब करीब 32% यहाँ पर दलित मतदाता है, जो एक बड़ा अहम रोल निभाते हैं इस विधानसभा सीट को लेकर। और दिलचस्प मुकाबला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीट पहले बीजेपी के पास थी, बीजेपी सीट को रिपीट करना चाहती है, वहीं सपा गठबंधन इस सीट पर अपनी जीत चाहता है, और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अपनी जो जो जीत है उसको लेकर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन यह दिलचस्प होगा कि जब ईवीएम में किस्मत आज कैद हो जाएगी तो फैसला 10 मार्च को ही आएगा। बिल्कुल।